प्रिय छात्रों, हिंदी की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह कक्षा दो के लिए है और पाठ दो है, जो कि एक सुंदर सी कविता के रूप में है। कविता का शीर्षक है एक किरण। यह किरण है, यह कविता बच्चों को प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति कराएगी। इसमें सूर्योदय के मोहक दृश्य एवं उसके प्रभाव का वर्णन किया गया है। आइए हम लोग कविता को पढ़ते हैं। रेशम जैसी हस्ती खिलती, नभ से आई एक किरण, फूल फूल को मीठी मीठी खुशियां लाई एक किरण। अर्थात रेशम जैसी बहुत ही मुलायम आकाश से सूर्योदय की किरण आती है, जो सुंदर सुंदर फूलों को नया जीवन देती है, इनमें मीठी मीठी सुगंध और मुस्कान भर देती है। पड़ी ओस की थी कुछ बूंदे झिलमिल झिलमिल पत्तों पर, उनमें जाकर दिया जलाकर ज्यों मुस्काई एक किरण। और इस एक किरण के आगमन से पूरा सूर्योदय हो जाता है और जो ओस की बूंदे जो पत्तों पर रात में गिरी हुई थी वो एकदम दिए के समान जलने लगी, चमकने लगी मोतियों की बूंद की तरह। अब लाल लाल थाली सा सूरज उठकर आया पूरब में, फिर सोने के तारों जैसी नभ में छाई एक किरण। सूरज मानो लाल थाली के समान चमक रहा था, उसकी दीप्ति पूरे विश्व में अपनी रोशनी फैला रही थी, जो एकदम लग रही थी कि सोने के तारों जैसी व्याप्त हो गई है, उसकी किरणें चारों दिशाओं में चमकने लगी। एक किरण से बदल गया जग, चिड़िया गाती गीत चली, हवा चली हिल उठे पेड़, सब सबको भाई एक किरण। एक किरण ही सारी दुनिया का में नव स्फूर्ति नव जीवन फैला देती है। इससे सभी चिड़िया उड़ गईं, गाने लगी, बच्चे सब चहचहाने लगे, पेड़ सब हिलने लगे और फूल खिलने लगे मात्र एक किरण से। यह किरण सबको भा गई। सूरज आया, दिन मुस्काया, जागी दुनिया भोर हुई, नया नया मन ताजा जीवन सबको लाई एक किरण। यह किरण जीवन में एक नया स्फूर्ति एक नई ताजगी लेकर आई है और इससे सारी दुनिया जग गई, भोर हो गया और सब इसमें प्रसन्नचित हो गए। इस एक बूंद में, एक एक किरण में, इस एक किरण में प्रकृति का पूरा सौंदर्य बिखर गया। अब इसमें कुछ शब्दार्थ हैं। रेशम जैसी अर्थात कोमल, नव अर्थात आकाश, दिया अर्थात दीपक, छाई अर्थात फैली हुई, जग अर्थात संसार, भाई। यहाँ ध्यान देंगे, ये जो भाई है यहाँ ये बंधु वाला भाई प्रिंट हो गया है, जबकि यहाँ य वाला होगा भाई, य में बड़ी की मात्रा होगी, ये वाली होगी भाई। इसका मतलब होता है अच्छी लगी, इस भाई का मतलब होता है बंधु। अब इसके प्रश्नोत्तर हैं, हम अभी आपको बता रहे हैं। अभ्यास प्रश्नों पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में दीजिए। क्या किरण हस्ती खिलती है? हाँ। टिक लगेगा यहाँ। ख, क्या ओस की बूंदे पत्तों पर झिलमिलाती हैं? हाँ। उत्तर होगा हाँ। ग, क्या किरण सोने के तार जैसी लगती है? हाँ। अब प्रश्न संख्या दो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, किरण कहाँ से आई? उत्तर, किरण आकाश से आई। ख, ओस को किसके समान बताया गया है? उत्तर, ओस को दिए के समान बताया गया है। ग, सूरज को किसके समान बताया गया है? उत्तर, सूरज को थाली के समान बताया गया है। घ, हवा चलने पर क्या हुआ? उत्तर, हवा चलने पर सभी पेड़ पौधे हिलने लगे। अंग, सूरज आया तब क्या हुआ? उत्तर, सूरज के उदय होते ही सारी दुनिया जाग गई और ताजगी से भर गई। अब तीन नंबर है, पंक्तियां पूरी करो। पड़ी ओस की थी कुछ बूंदे झिलमिल झिलमिल पत्तों पर,